हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में। आपने अब तक स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, स्टॉक मार्केट क्या होता है एंड कैसे काम करता है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल पे। आज हम जानेंगे कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है, उसके टाइप्स, कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में समझेंगे एंड स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कमोडिटी मार्केट क्या होता है। कमोडिटी की डेफिनेशन होती है अ प्रोडक्ट और मटेरियल दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, जैसे कि वीट, गोल्ड, कॉफी, स्पाइसेस, ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस, ये जो बाकी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। तो कमोडिटी मार्केट ऐसा मार्केट है जहां इन कमोडिटीज पे ट्रेडिंग की जाती है। कमोडिटी मार्केट को सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। अब कमोडिटी को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आइए जानते हैं। पहला है हार्ड कमोडिटीज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि मेटल्स एंड एनर्जी, जिनको माइन या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो हार्ड कमोडिटीज में आते हैं। मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, प्लेटिनम एटसेट्रा आते हैं। वहीं एनर्जी में नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एटसेट्रा आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, सॉफ्ट कमोडिटीज। सॉफ्ट कमोडिटीज में वो चीज़ें आती हैं जिनको देखभाल करके तैयार किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, राइस, कॉर्न, वीट, सोयाबीन, कॉफी, शुगर एटसेट्रा, और दूसरा लाइफ स्टॉक एंड मीट, इसमें कैटल, एग, ये सब आते हैं। अब बात कर लेते हैं कमोडिटी एक्सचेंज क्या है। कमोडिटी एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कमोडिटीज में ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है, लाइक BSE एंड NSE, ठीक वैसे ही इंडिया में मेनली 6 कमोडिटी एक्सचेंज हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एस डेरिवेटिव एक्सचेंज, द यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। वैसे तो ये सब कमोडिटी एक्सचेंज हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़े एंड पॉपुलर MCX एंड NCDX हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। और MCX से कुछ फैक्ट्स की बात करें तो MCX इंडिया का पहला ऐसा एक्सचेंज था जिसने 2012 में अपना IPO निकाला, और MCX पहला ऐसा इंडियन एक्सचेंज बना जो पब्लिकली लिस्टेड हुआ। अब आप इसके शेयर प्राइस में नज़र डालेंगे तो IPO इश्यू से लेकर अभी तक इसके शेयर प्राइस में करीब 42% का ग्रोथ आया है। और इसकी शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसके सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ओवर द टाइम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसमें अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं एंड म्यूचुअल फंड एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स इसमें इंक्रीज हो रही हैं। दोस्तों, वैसे अगर आप भी किसी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इस तरह का डेटा इजीली एनालाइज करना चाहते हैं तो टिकर टेप की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। टिकर टेप प्रो सब्सक्रिप्शन नवंबर मंथ के लिए फ्री है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप साइन अप कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट को लेकर कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो आइए स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट के डिफरेंस को समझ लेते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई शेयर बाय करते हैं तो आप उसे एक दिन तक होल्ड कर सकते हैं, एक मंथ तक होल्ड कर सकते हैं, या चाहे तो कुछ सालों तक भी रख सकते हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट में इतने लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम नहीं मिलता, यहाँ एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, यानी एक एक्सपायरेशन डेट होती है, आपको तब तक उसको सेल करना ही पड़ेगा, आप उसे ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग आवर्स। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जनरली मॉर्निंग टू इवनिंग ही कर सकते हैं, जैसे कि 9:15 AM टू 3:30 PM। वहीं दूसरी तरफ कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा होती है, ये अराउंड 12 आवर्स ओपन रहता है, ऑल डे उसमें ट्रेडिंग होती रहती है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हो तो आप उस कंपनी की ओनरशिप खरीदते हो, आपको उस कंपनी की ओनरशिप में एक हिस्सा मिलता है, भले ही वो एक छोटा सा हिस्सा हो। लेकिन कमोडिटी मार्केट में ओनरशिप टाइप की कोई चीज़ नहीं है, इनफैक्ट यहाँ कोई कंपनी ही नहीं है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्रेजेंट प्राइस में इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ मोस्टली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। अगर उस कमोडिटी का प्राइस आगे चल के बढ़ जाता है तो आप उसे सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो कुछ ऐसी ट्रेडिंग होती है कमोडिटी मार्केट में, यहाँ किसी कंपनी की ओनरशिप जैसा कोई फैक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट हाई वोलेटाइल होता है, यहाँ शेयर प्राइस काफ़ी हाई भी हो जाते हैं एंड सडनली काफ़ी लो भी हो जाते हैं, ऐसे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ कमोडिटी मार्केट इसके कंपैरिजन में लेस वोलेटाइल होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। भले ही स्टॉक मार्केट में प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हों,
लेकिन फिर भी कमोडिटी मार्केट में स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज इसमें कुछ बड़े फैक्टर लाइक वेदर, पॉलिटिकल अनरेस्ट, एपिडेमिक्स, नेचुरल डिजास्टर जैसी चीजें रिस्क लाती हैं जिसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। अगला है डिविडेंड। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक होल्डर ओनर होता है, इसलिए उसे एज अ रिटर्न डिविडेंड यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी मिलता है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। स्टॉक मार्केट एक तरीके का फ्री मार्केट होता है, यहाँ रेगुलेशन तो होती है बट कंपैरेटिवली लेस रेगुलेशन होती है। वहीं कमोडिटी मार्केट पर सेबी काफी स्ट्रिक्टली रेगुलेशन अप्लाई करता है, तो स्टॉक के कंपैरिजन में ये लेस फ्री होता है। अब आइए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी जान लेते हैं। यह 2003 के बाद इंडिया में गवर्नमेंट ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ किया था। एक्चुअली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बायर या सेलर पहले से ही प्री डिसाइडेड करता है कि वो इस स्पेसिफिक डेट के दिन इस पर्टिकुलर कमोडिटी को इस प्राइस में खरीदेगा। मतलब आज के दिन ही एक फ्यूचर की डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब उस टाइम उस कमोडिटी का प्राइस कितना रहता है वो डिसाइड करेगा कि ये कितना प्रॉफिट और लॉस में रहेगा। ये एक प्रिडिक्शन पे बेस्ड रहता है। तो गाइज, स्टॉक मार्केट में अगर आपको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी तब आप उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आप अपने स्पेकुलेशन के बेस पे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के पर्पज से ट्रेडिंग करते हो। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।